1526 में आज ही के दिन पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद में प्रवेश किया था। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों और सगे संबंधियों में बांट दिया और इसी बंटवारे में हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। मेरठ से विद्रोह शुरू होने के बाद यह दिल्ली, पटना और झांसी तक फैला और इसमें सैनिकों के अलावा रजवाड़े, किसान, तालुकदार और बुद्धिजीवी वर्ग भी शामिल हुआ। ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को दबाने में एक साल लग गया था। 1905 में आज एक दिन बांग्ला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म हुआ था। फिल्मों में योगदान के लिए पंकज को पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में आज ही के दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और पहली बार दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुआ था। और आज ही के दिन 2002 में मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन हुआ था। कैफी आजमी ने कागज के फूल, हकीकत, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, आखिरी खत और हीरांजा जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गाने लिखे हैं। इन्हें साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया।